लेकिन कुछ घर की परिस्थिति ऐसी होने के कारण मैं मतलब इंजीनियर नहीं बन पाई, मतलब मैंने बीटेक नहीं कर पाई। ट्वेल्थ पास आउट होने के बाद मेरे फादर ने मुझसे कहा बेटा बीएससी के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, है ना। हमारे घर में फाइनेंशियली हम लोग इतने इस्टेब्लिश नहीं थे, मुझे ऐसा लगा मेरे घर पे मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया फाइनेंशियली, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहाँ पे मायूसी फील करनी पड़ी। तो मैंने कहा मैं बीएससी नॉर्मल तो नहीं करूँगी, कुछ अलग सा पढ़ूंगी। मैंने बहुत जगह सर्च मार उड़ाया, तो फिर मुझे पता चला कि अगर मैं बीएससी और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से कर लेती हूँ तो मैं बीटेक के इक्विवेलेंट हो जाऊँगी। देन मैंने बीएससी स्टार्ट किया, सेकेंड ईयर भी मैंने पास किया, देन मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तो फाइनेंशियली भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। देन जिस दिन मेरे पापा की 13वीं थी उस दिन मुझे एक लोगों ने ट्यूशन ऑफ़र किया, मुझे 500 रुपीज़ उस ट्यूशन में मिलते थे, मैंने पढ़ाना शुरू किया। बैंकिंग के लिए एग्ज़ाम्स दिए और आप विश्वास नहीं मानेंगे मेरा ऐसा सिंगल रिटर्न नहीं होता था जो नहीं निकलता था। मैंने बैंकिंग के लगभग 11 टू 12 इंटरव्यू फेस किए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मिल रहे हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे द सक्सेस टॉक्स, जो हमारे जो भी लोग स्ट्रगल करके आगे आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से आप सब तक कुछ चीज़ें कन्वे करना चाहते हैं, किस तरीके से लाइफ में सबने स्ट्रगल किया और आगे बढ़े, वो सारी चीज़ें हम लोग इस प्लेटफॉर्म में सीखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि द सक्सेस टॉक्स में हम लोग ये देखते हैं अलग अलग टाइप के लोगों का अलग अलग तरीके का अलग अलग तरीके का संघर्ष होता है, है ना, और किस तरीके से वो लोग उसको फाइट करके और आगे अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो गए हैं, वो सारी चीज़ें। तो बच्चों आज कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ें कुछ मैं अभी अपनी आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से लाइफ में आज आप देख रहे हैं। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है प्रभासन क्लासेस, वहाँ पर मैं लीड रोल प्ले कर रही हूँ, इसके अलावा मैं इंग्लिश फैकल्टी हूँ, वी नो दैट। तो सबसे पहली बात आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि लोगों को लगता है कि मैम आज आपने किस तरीके से इंग्लिश पढ़ाने लगी हैं, इस तरीके से आप इतनी सक्सेसफुल हो गई, कैसे आपने पढ़ाना शुरू किया। तो बच्चों मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी, पुराने टाइम की बात अगर मैं करूँ, अपनी फैमिली की बात करूँ, तो मेरे फादर, मैं, मेरी भाई, मेरी मदर, ये हम लोग चार लोग हमारी फैमिली का पार्ट थे। फादर मेरे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे, बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, स्टार्टिंग में वो ONGC में थे, बट वहाँ से ड्रॉप करके उनको एक प्राइवेट सेक्टर में कानपुर में आना पड़ा। वो पढ़ाई को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, कहीं ना कहीं मैं भी उसी चीज़ को अप्रिशिएट करती थी, मैं भी पढ़ती थी। पढ़ने में मैं बहुत अच्छी नहीं, लेकिन हाँ एवरेज स्टूडेंट थी मैं, क्लास में टॉप नहीं करती थी लेकिन फेल भी नहीं होती थी। उस चीज़ों को लेके मैं आगे चल रही थी, मैं अपनी मस्ती में रहने वाली, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती थी किसी भी चीज़ का, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करती थी, हर चीज़ के लिए मेरे पास ऑप्शन होता था। मेरे फादर मुझे हमेशा से सपोर्ट करते थे। इवन मेरी पूरी फैमिली की बात अगर करें तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। हमारी फैमिली में मैं और मेरा भाई सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले में से थे। मैं अपने घर की पहली लड़की थी जो साइंस साइड से पढ़ाई कर रही थी, और उसी में मैं अपने आप का बड़ा ही एटीट्यूड में फील करती थी कि मैं हूँ जो साइंस साइड से पढ़ाई कर रही हूँ, बाकी तो कोई नहीं पढ़ता था। पढ़ाई का माहौल भी नहीं था घर पर, हम लोग इस तरीके से पढ़ते आ रहे थे। आज की अगर हम बात करते हैं ट्वेल्थ के बाद, जब हमने फर्स्ट ईयर इंटर ट्वेल्थ पढ़ाई करी, नॉर्मल लेवल से पास किया, लेकिन मेरे जो फ्रेंड सर्किल था वो बहुत हाई फाई था, मतलब वो सब इंजीनियरिंग के लिए, कोई मेडिकल लाइन में जाना चाहता था, कोई कैट की प्रिपरेशन करने वाला था, कोई कुछ। मैं ही ऐसी थी जो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि शायद मैं बेहतर नहीं कर पाऊँगी। मेरा भी मन था कि मैं भी इंजीनियर बनूँ, मैंने अपने फादर से कहा था कि मैं भी इंजीनियर बनूँगी। स्टार्टिंग में उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, AIEEE का फॉर्म, UPTO का फॉर्म मेरे सारे फ्रेंड्स भर रहे थे, तो मैंने भी अपने पापा से कहा कि मुझे भी फॉर्म भरना है, शायद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो पापा ने कहा चलो ठीक है, कौन सा फॉर्म भरने के बाद, सामने इंजीनियरिंग करानी है, मुझे फॉर्म भर दिया, मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। लेकिन कुछ घर की परिस्थिति ऐसी होने के कारण मैं मतलब इंजीनियर नहीं बन पाई, मतलब मैंने बीटेक नहीं कर पाई। ट्वेल्थ पास आउट होने के बाद मेरे फादर ने मुझसे कहा बेटा बीएससी के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, है ना। हमारे घर में फाइनेंशियली हम लोग इतने इस्टेब्लिश नहीं थे। मेरा छोटा भाई है, वो भी मेरे साथ 2 साल ही छोटा था, तो उसको पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी था, है ना। और तो दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगा मेरे घर पे मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया फाइनेंशियली, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहाँ पे मायूसी फील करनी पड़ी। तो मैंने कहा मैं बीएससी नॉर्मल तो नहीं करूँगी, कुछ अलग सा पढ़ूंगी। मैंने बहुत जगह सर्च मार उड़ाया, तो फिर मुझे पता चला कि अगर मैं बीएससी और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से कर लेती हूँ तो मैं बीटेक के इक्विवेलेंट हो जाऊँगी। देन मैंने बीएससी स्टार्ट किया, बीएससी फर्स्ट ईयर कैसे कैसे करके पास किया, सेकेंड ईयर भी मैंने पास किया, देन मेरे फादर एक्सपायर हो गए। मैं हार्ड वर्किंग बिल्कुल भी नहीं थी, मैं बिल्कुल भी मेहनत नहीं करती थी,
लेकिन मेरी लाइफ का एक ऐसा पॉइंट आया जिसके बाद सब कुछ ख़राब हो गया। मेरे फादर एक्सपायर हो गए हार्ट अटैक से, बहुत ज़्यादा एज उनकी नहीं थी, बहुत यंग एज में वो एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल रुक सी गई, मेरे को समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, आगे मैं क्या करूँ। BSc सेकेंड ईयर में थी, फादर एक्सपायर हो गए, घर वालों का इतना प्रेशर था, मेरे घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था, तो लोगों ने कहा कि पढ़ना नहीं है, क्या ही करेंगे आगे पढ़ के, BSc के बाद शादी वादी करा दो, दूसरे घर में जाना है। पापा भी प्राइवेट सेक्टर में थे तो फाइनेंशियली भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। देन जिस दिन मेरे पापा की 13वीं थी उस दिन मुझे एक लोगों ने ट्यूशन ऑफ़र किया, मुझे 500 रुपीज़ उस ट्यूशन में मिलते थे, मैंने पढ़ाना शुरू किया। जब मैं उस ट्यूशन को पढ़ाती थी तो मैं सुबह 5 बजे जाती थी, ठंड का टाइम था, जब मैं जाती थी तो मेरा पूरा घर रोता था कि मैं किस तरीके से, मतलब मैं बहुत ही लाडली थी अपनी फैमिली की, मैं कभी भी कोई मेहनत नहीं करती थी, सारी मस्ती में रहती थी। लेकिन जिस दिन ऐसा हुआ मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा और फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया तो मेरे पास उस टाइम एक ही ट्यूशन था, मैं 500 रुपीज़ उसमें मिलते थे, उसमें कुछ हो नहीं पाता था। लेकिन मेरे फादर मुझे हमेशा एक बात कहते थे, बहुत पहले से कहते थे कि बेटा जीवन में कभी भी कुछ अर्न करना ये मान के चलना कि तुमको उसका 50% ही मिलता है, 50% सेव करना। लेकिन अब 500 में मैं क्या सेव करूँगी और मैं क्या ही चलाऊँगी, लेकिन चल रहा था। मैं डेली इधर आनंदपुर साइड में जाती थी, पैदल पढ़ाती थी, सुबह निकलती थी, बच्चों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती थी। किसी भी पेरेंट्स ने कहा कि इतने बजे आना है तो मैं उतने बजे भी जाती थी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पढ़ाती ही थी। मुझे ट्यूशन्स मिलने लगे, बहुत धीरे 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 मुझे ट्यूशन्स मिलने लगे। मैंने MSc यूनिवर्सिटी से ट्राई किया और मेरा MSc में कैंपस सिलेक्शन भी हो गया। मुझे इन्फोसिस कंपनी में जॉब मिली, चेन्नई थी, लेकिन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि तुम बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन करो, बहुत सारी लड़कियाँ बैंक की प्रिपरेशन कर रही हैं। मुझे प्राइवेट सेक्टर के लिए जॉब फिर भी नहीं ऑफर हुई, मैं नहीं जा पाई, मैं कानपुर में ही स्टे किया। देन आफ्टर मैंने बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे सरकारी नौकरी ही नहीं पसंद थी। अगर मुझे पसंद भी थी गवर्नमेंट जॉब तो वो जॉब पसंद थी जिसमें मेरे पास थोड़ी सी कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म हो। मैं डिफेंस सेक्टर में जाना चाहती थी, है ना, इवन मुझे लगता था, मैंने CDS भी 2 टाइम क्वालिफाई किया, फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस आउट हूँ, सेकेंड टाइम रिकमेंडेड हूँ, कुछ मेडिकल के चक्कर में आउट हो गई। देन आफ्टर कुछ नहीं, मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैं पढ़ा तो रही थी कोचिंग लाइन में, धीरे 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 मैंने कहा कुछ तो करना ही है। CDS में नहीं हुआ तो मैंने बैंकिंग के लिए एग्ज़ाम्स दिए, और आप विश्वास नहीं मानेंगे मेरा ऐसा सिंगल रिटर्न नहीं होता था जो नहीं निकलता था। मैंने बैंकिंग के लगभग 11 to 12 इंटरव्यू फेस किए, 2 बैंक्स में सिलेक्टेड भी हूँ, IBPS के स्कोर कार्ड से भी सिलेक्टेड हूँ, यूनियन बैंक में सिलेक्टेड हूँ एज अ क्लर्क। लेकिन उस टाइम मैं कॉम्पिटिशन लेवल की पढ़ाई करा रही थी, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करा रही थी, तो मैंने क्लर्क ज्वाइन करना बेटर नहीं समझा। मैंने जिस कोचिंग में जब पढ़ाना शुरू किया तो मुझे वहाँ पर कोई वेटेज नहीं देता था, मुझे इतने अच्छे से नहीं पढ़ाता था, मुझे TET का बैच दिया गया, जबकि मुझे इंग्लिश मेरी ठीक थी, ऑन एवरेज मैं UP बोर्ड स्टूडेंट हूँ तो मेरी इंग्लिश ग्रामर ठीक थी। मैं पढ़ते 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 मुझे लगा कि कुछ अर्निंग भी करनी चाहिए, घर का भी काम चलना चाहिए, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो सामने वाले बच्चे मुझे सीरियसली नहीं लेते थे, क्योंकि तब मेरी पर्सनैलिटी भी इतनी ठीक ठाक नहीं थी, मैं थोड़ी दुबली उबली सी हुआ करती थी, सामने वाला मुझे सीरियसली नहीं लेता था। जब मैं पढ़ाने जाती थी तो सामने वाला मुझे बिल्कुल भी वेटेज नहीं देता था, और मैं भी स्टूडेंट से इतना ज़्यादा डरती थी कि उनकी तरफ देखती तक नहीं थी। मैं अपनी कॉपी में रट के, पता लगता था नाउन प्रोनाउन वर्ब सब एक ही दिन में पढ़ा दिया, बहुत डर लगता था। लेकिन धीरे 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 आप लोगों का सपोर्ट मिला और मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैं एक टाइम पे कानपुर की लीड फैकल्टी, इवन UP लेवल की बहुत लीड फैकल्टी इंग्लिश की रह चुकी हूँ। इसके अलावा मैं पैनल इंटरव्यूज़ और लोकल लेवल पे RBI का जो मतलब लोकल लेवल पे उनका एग्ज़ाम होता है, जो उनके ब्रांचेस के द्वारा बोल सकते हैं प्रमोशन एग्जाम्स होते हैं, प्रमोशनल एग्ज़ाम की मैंने प्रिपरेशन के लिए यूको बैंक में मैं गई हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, RBI बैंक, वहाँ पे भी मैंने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया आगे के लिए। इसके साथ ही साथ मैं इंटरव्यू पैनल में रहती थी, जब मैं बच्चों को इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कराती थी, और इस तरीके से धीरे धीरे करके चीज़ें मैनेज की। और ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं लगती, लोगों को लगता है कि जब भी किसी को अपने स्ट्रगल के बारे में बताओ तो सामने वाले को लगता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, इतना कौन करेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जॉब लगी और ज्वाइन न किया हो, जॉब कौन छोड़ता है, बहुत लोगों के मन में ये बात आती है। ऐसा नहीं है, मैम झूठ बोल रही है, हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। एक समय ऐसा आता है ना, आज हमारी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि
हमारे पास अमाउंट की बात नहीं होती है, कुछ ना कुछ फैमिली की ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जो नहीं जाना होता है। मुझे जिस टाइम यूनियन बैंक में पोस्टिंग मिली थी, बागपत मिला था। बागपत आप जानते हैं थोड़ा सा ठीक, मतलब बोलते हैं वो लोकेलिटी, वहाँ का एरिया थोड़ा सा सही नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं उसको ड्रॉप करना पड़ा। इवन आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने RBI का ग्रेड बी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जिसमें लखनऊ और कानपुर में 14 लोग सिलेक्टेड थे, मेरी सेकंड नंबर पे पोजीशन थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं जब RBI का इंटरव्यू देने गई थी ना, तो मुझसे सामने वाले का क्वेश्चन ये था कि मैम आप अभी बहुत छोटे हो, मैं RBI में इतने काम करने वालों की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है मैंने फाइट नहीं किया, रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करी, पढ़ते पढ़ते SC देती थी, पढ़ाई करती थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर से थोड़ा सा सही नहीं लगता था, है ना। और गवर्नमेंट में तो ठीक है, एक बार बैंक की जॉब अच्छी है, इवन मैं डिफेंस में चली जाती अच्छी है, SSC के थ्रू चली जाती, लेकिन मुझे टीचर तो बनना कभी भी नहीं पसंद था। लेकिन लाइफ में आप जो नहीं करना चाहते हो ना, वही करना पड़ता है। आप जो भी नहीं चाहोगे आपको वही करना पड़ेगा, और आज मैं टीचर ही हूँ, है ना। लेकिन आज मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि अगर मेरा कोई बैंक का स्टूडेंट है, कहीं मुझे मिल जाता है, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम, अगर मुझे विश करता है तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है ना, कि मैं किंग तो नहीं बन पाई लेकिन किंग मेकर बनी, है ना। तो मैंने उन लोगों को तैयार कराया जो अलग अलग सेक्टर्स में हैं, जो वर्किंग है, जॉब कर रहे हैं, और आज हर टीचर्स डे पे मुझे विश करते हैं, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील होता है कि कहीं ना कहीं बस ये चीज़ आपको सोचनी कि आपको रुकना नहीं है, स्ट्रगल तो लाइफ में सबको करना पड़ता है ना। हमेशा एक बात ये याद रखना, जब भी लाइफ की बात आती है, आप अपनी लाइफ के, हमेशा मैं एक बात बोलती हूँ कि ड्राइवर बनो, पैसेंजर कभी मत बनो। आपको अपना एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। डोंट बी अ ड्राइवर, डोंट बी अ पैसेंजर ऑफ योर लाइफ, बी अ ड्राइवर ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ का ड्राइवर बनना सीखो। आप अपनी डेस्टिनेशन के बारे में पता रखो कि आपको कहाँ जाना है, इस चीज़ को टारगेट ज़रूर रखो, एम एक ज़रूर डिसाइड करो कि आपको जीवन में क्या करना है, है ना। और चीज़ें इतनी बेहतर हो गई सर, मेरी लाइफ पहले की बात अगर करूँ तो मैं चीज़ें मैनेज करती थी। जब मैं मॉल देखती थी तो मुझे लगता था अरे बिग बाज़ार में तो मैं कभी शॉपिंग ही नहीं कर पाऊँगी, मैं तो कभी खा ही नहीं पाऊँगी, वहाँ घूमती थी और बाहर आके खाना पीना खाती थी। लेकिन आज की सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है, मैंने लाइफ में जो स्ट्रगल किया ना सर, उसका आज मुझे पे बैक कर रहा है, है ना। भगवान कहीं ना कहीं चीज़ें देख रहे हैं और मुझे उसका बेटर से बेटर पे बैक मिल रहा है। मेरी मदर, मेरे भाई दोनों ही सेटल्ड है बैंगलोर में, बहुत अच्छी कंपनी में, मेरा भाई इंजीनियर है, MNC में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत अच्छा वर्किंग, दोनों लोग सेटल्ड है, है ना। और मैं भी अपनी लाइफ में बहुत आगे सेटल्ड हूँ, है ना। मेरी शादी भी हो गई, जब शादी, बहुत लोगों को लगता था कि शादी करी है, सेम प्रोफेशन में करी है ना, इनके हस्बैंड भी टीचर है, बहुत लोगों के मन में एक चीज़ आती होगी, लव मैरिज करिए। बच्चे कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि क्या मैम आपने लव मैरिज करी, तो मेरा ये नहीं है उद्देश्य आपको बताना कि मेरी लव मैरिज नहीं हुई है। मेरी इन लॉज इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फर्स्ट टाइम में जब ऐसे नॉर्मल हमारी मीटिंग हुई थी, कलीग मीटिंग थी, हम लोग सर के घर गए थे, तभी उनकी मदर ने मुझसे बोल दिया था। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेटर हैं। शादी हमारी अरेंज मैरिज ही है, लगती है लोगों को लव मैरिज है, बट ऐसा नहीं है, अरेंज मैरिज है, है ना। मेरे इन लॉज भी कहीं ना कहीं वीडियोस तो देख ही रहे होंगे, तो उनको पता है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लोग इतने अच्छे मिलते गए। एक चीज हाँ मैं मानूंगी कि मेरी फैमिली में या मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पर्सन रखते थे वो मेरे फादर थे। उनके जाने के बाद मैं कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो गई थी और उनकी जगह मेरे हस्बैंड ने ली। वो मुझे शुरू से सपोर्ट करते आए, हमेशा मुझे इनकरेज किया, आगे बढ़ने दिया, और आज कहीं ना कहीं जो भी थोड़ी सी चीज़ें हैं वो उन्हीं की बदौलत है आज मैं स्टैंड कर पा रही हूँ। और वो मुझे कभी फील ही नहीं होने देते कि मैं इस तरीके से हूँ, कभी मुझे किसी तरीके से, ऐसा भी नहीं है कि बहुत डाउरी मांगो, ऐसा कुछ नहीं, जो भी था छोटे लेवल में हमारी चीज़ें सपोर्ट करी उन्होंने और हमेशा इनकरेज करते हैं। तो बेटा लाइफ में मैंने बहुत सी चीज़ें उनसे सीखी हैं, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। मेरी लाइफ में तो स्ट्रगल है, जब आपकी बेटा फैमिली आपके साइड है कोई स्ट्रगल नहीं है। टारगेट तो बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे ही सही टारगेट बनाओ कि मुझे इस बार MTS क्वालिफाई करना है, देन आफ्टर मुझे CHSL क्वालिफाई करना है, फिर CGL क्वालिफाई करना है। जिस तरीके से आप जिस भी फील्ड में होते हो ना, उसकी हायरार्की को फॉलो करो। जब एक क्लर्क में पर्सन होता है तो वो PO बनना चाहता है, जब PO होता है तो SO बनना चाहता है। हर जगह उस फील्ड को हायरार्की फॉलो करो कि आज से 10 साल बाद मैं अपने आप को वहाँ देखना चाहूँगा। और जिस दिन आप टारगेट सेट करेंगे ना, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक एम बनाओ, एक टारगेट बनाओ, लाइफ में क्या करना है, है ना। आपको अपनी डेस्टिनेशन तो पता होनी चाहिए, विदाउट डेस्टिनेशन तो कुछ भी अचीव नहीं होगा।
जिस भी तरीके से प्लानिंग करके प्रॉपर तरीके आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। आज से अगर थोड़े टाइम की बात करें तो फैमिली को पता भी नहीं होता था कि कंपटीशन लेवल भी कुछ है। आज आप देखते हो पहले आईआईटी लेवल की कोचिंग्स बहुत होती थी, आज एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, सिविल बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट है। पेरेंट्स भी अवेयर हो गए हैं, आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, है ना। तो उनके सपोर्ट का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। आपके पेरेंट्स हमेशा आपके बारे में बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर सोचेंगे। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी बहुत जल्दी से। हमारे इंडिया में ग्रेजुएट लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉरेन में ग्रेजुएट की वैल्यू होती है। हमारे इंडिया में हम लोगों ने बीए कर लिया अच्छा है, एमए कर लिया तो और बेकार। लोग कहते हैं बीए कर तो लिया तो एमए क्या कर लिया, है ना, बीएससी कर लिया तो फिर एमएससी क्यों कर लिया। क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन का पैटर्न बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब हमारे यहाँ ग्रेजुएट्स की वैल्यू नहीं है लेकिन फॉरेन में इसकी वैल्यू है। एक लड़का था, वो ग्रेजुएट हुआ तो उसने सोचा मैं अपने पापा से कहूँगा कि मुझे एक बाइक चाहिए। उसके पापा ने बोला ठीक है मैं तुमको बाइक दिलाऊंगा, लेकिन वो जब 5 साल की उम्र में था ना तो उसकी मदर एक्सपायर हो गई थी। उसके पापा ने उसको कोई भी सुविधा नहीं दी थी, एसी था लेकिन फादर के रूम में था, बेटे के रूम में नहीं था, कोई भी सुविधा नहीं दी थी। बेटा सोचता था हो सकता है मैं कुछ बन जाऊँ तब पापा मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। एक दिन जिस दिन वो ग्रेजुएट हुआ तो प्रॉपर उसने अच्छे से डिग्री विग्री ली, उसने सोचा कि मैं अपने पापा से आज जाके कहूँगा कि पापा मुझे मेरे कॉलेज के जस्ट सामने एक शोरूम है वही वाली बाइक चाहिए। आज तो मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, मेरे पास तो जॉब भी है। हमारे इंडिया में ग्रेजुएट्स के बाद इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती, फॉरेंस में मिल जाती है। वो घर आया, उसने अपने पापा से कहा पापा मुझे आपसे कुछ कहना है। पापा ने कहा नहीं बेटा मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने बोला नहीं पापा मुझे आपसे कुछ कहना है। तो पापा ने बोला नहीं बेटा मुझे कुछ कहना है। तो बोला अच्छा चलिए ठीक है आप ही पहले बता दीजिए फिर मैं कुछ मांगूंगा आपसे, आज मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। तो उसने पापा ने उस बच्चे को एक बाइबल की बुक दी, बोला ये बुक लो बेटा, जीवन में जो भी करना सब कुछ इस पर पढ़ना, सारे लाइफ सारी चीज़ें, लाइफ के एक्सपीरियंस सब कुछ आपको मिलेगा, कभी भी परेशान होना इसको पढ़ना। मान लीजिए मेरा बर्थडे है, कोई मुझे रामायण गिफ्ट कर दे, नो डाउट बहुत अच्छी बुक है लेकिन हमको गुस्सा आएगा, ये भी कोई गिफ्ट करने वाली चीज़ है। लड़का ग्रेजुएट हो चुका था, वो बाइक की उम्मीद कर रहा था, लेकिन आज उसके पापा ने जब उसको बुक दी ना, वो भी बाइबल की, तो उसने बुक उठा के फेंक दी। बोला जीवन में आपने मेरे साथ किया ही क्या है, कभी भी आपने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया, सारी सुविधाएं आपने खुद यूटिलाइज़ की, मुझे कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की, आज मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, आज मैं आपसे कुछ मांगता तो ये बुक पकड़ा रहे हो और ज्ञान दे रहे हो, हमको आपके साथ रहना ही नहीं। उसने अपने फादर को बहुत ही भला बुरा कहा और उसने कहा मुझे रहना ही नहीं है आपके साथ, पापा को छोड़ के, जबकि पापा अकेले थे, मदर भी नहीं थी, भाई भी नहीं था और कोई बहन भी नहीं थी, वो अपने पापा को छोड़ के चला गया। जब वो चला गया, जॉब उसके पास बहुत अच्छी थी, जॉब अच्छी थी, बहुत अच्छी फैमिली हो गई, घर भी खरीद लिया, शादी भी कर ली, बाइक भी खरीद ली, बहुत अच्छे से वेल सेटल्ड हो गया। जीवन में सब कुछ आप छोड़ के, ऐसा नहीं है हम अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाते नहीं, छोड़ के वो जब गया ना, एक टाइम ऐसा ज़रूर होता है जब आपको अपनी फैमिली की इंपॉर्टेंस समझ आती है। तो उस लड़के ने सोचा यार सब तो मैंने कर लिया, जो मुझे बाइक चाहिए थी वो मैंने ले ली, मेरी फैमिली भी हो गई, मेरी शादी भी हो गई है, अच्छा सा घर भी ले लिया, जॉब भी बढ़िया है, पापा तो मेरे अकेले हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे उनको नहीं छोड़ना चाहिए, बाइक तो मैं खरीद ही लेता, क्या ही है अगर उन्होंने बाइक मुझे नहीं दी तो मुझे इतना नहीं रोना चाहिए था। तो उसने कहा कल सुबह मैं जाऊंगा और अपने पापा को अपने घर में लेके आऊंगा। अगली सुबह जब वो चलता है तो वैसे ही उसके डोर की बेल बजती है, वो जाता है तो एक लॉयर होता है, उसको पेपर्स प्रोवाइड करता है कि आपके फादर एक्सपायर हो गए हैं, उनको हार्ट अटैक हो गया और ये पेपर्स हैं, आपको नाम पे घर प्रॉपर्टी जो भी है उन्होंने सब दे दिया। बहुत दुखी होता है, जैसे ही जाता है अपने घर में, रूम खोलता है, लाइट जलाता है, वो एक चीज़ देखता है जिससे वो पागल हो जाता है। वो ये देखता है कि उसने जहाँ किताब फेंकी थी वो वहीं पड़ी है, जहाँ उसने उस बुक का बॉक्स फेंका था वो वहीं पड़ा है। उस दिन के बाद से वो बुक ना किसी ने उठाई, ना उस बॉक्स को किसी ने उठाया। और जब वो पास में जाके उस बुक को उठाता है कि पापा की मेरे आखिरी निशानी थी, वो बुक उठाता है, बॉक्स उठाता है, तो बॉक्स में कुछ हल्की सी आवाज़ आती है। जब वो देखता है तो उसी बाइक की चाबी होती है, उसने पूरा देखा ही नहीं होता है, बुक इधर फेंकी, पेपर इधर फेंके, मतलब कुछ भी सुनने से पहले अपने पेरेंट्स के उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, उसने अपने फादर की बात तक नहीं सुनी। उसी डे का बिल होता है, उसी दिन उसके पापा ने बाइक की चाबी भी उसको दी थी कि मैंने तुम्हारे लिए बाइक भी खरीदी है, लेकिन उसने बोलने ही नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं हम लोग
कभी कभी मिसलीड हो जाते हैं बच्चों, तो ये नहीं होना है, हमेशा स्ट्रगल करना है, और जो बेहतर स्ट्रगल करता है ना उसको अपने सक्सेसफुल होने का बहुत ही ज़्यादा जश्न मनाने में अच्छा लगता है। जिसको आसानी से चीज़ें मिल जाती उसको उसकी वैल्यू कभी नहीं समझ आती, इसलिए लाइफ में हमेशा स्ट्रगल तो इंसान को करना ही चाहिए, और जितना हो सके ईजी चीज़ों को मत लो, जितना टफ से टफ टास्क हो सके वो चीज़ लेनी चाहिए ताकि आप बेहतर से बेहतर कर पाए। तो इसी तरीके से मैं बस आपसे यही बोलना चाहूँगी कि जब भी कभी आप अपना कोई भी काम कुछ भी कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट सक्सेस की तरफ, तो सफल सब व्यक्ति होते हैं। आपको लगता है सामने वाले का किस तरीके से सफलता मिली है तो उसने उसके लिए बहुत मेहनत करी है, बट आज मैं यहाँ पे हूँ तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की मेरी बहुत स्ट्रगल होगा। और लाइफ में स्ट्रगल आपको एक बार करना है, चाहे अभी करें चाहे बुढ़ापे में, है ना। जिस एज में आप स्ट्रगल कर लेंगे वो बेटर रहेगा, आपके आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि अपनी बात को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।